खड़े हैं भारत नेपाल की सीमा सोनबर्षा बॉर्डर पर। यह वो नो मैन्स लैंड की सरजमी है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इसी रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश की थी और सीतामढ़ी होते हुए चंपारण गई थी और वहां से यूपी गई थी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री कैसे की, इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सशस्त्र सीमा बल यानी SSB से रिपोर्ट मांगी है। सीमा हैदर बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में SSB के जवान तैनात हैं। ऐसे में सीतामढ़ी बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र कुमार का कहना है कि SSB के सुरक्षा में चूक के कारण पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ आराम से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। भारत नेपाल सीमा जो है खुला हुआ बॉर्डर है। यहाँ नेपाल और भारत से बेटी रोटी का संबंध है, लोग हमेशा आना जाना रहता है। शादी ब्याह सुख दुख अच्छा सभी कार्यों में यहाँ के लोग जो है भोजन की सामग्री यहाँ से नेपाल ले आते हैं। तो ऐसे बॉर्डर खुला रहने के चलते SSB की जो सीमा है जहाँ चेक पोस्ट लगी हुई है वहाँ शायद हमको लगता है मुस्तैदी से ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसकी वजह से विदेशी नागरिक घुस जाते हैं इंडिया में। वहीं पूर्व जिला पार्षद विजय कुमार का कहना है कि बेरोक टोक लोग नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी महिला ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि हिंदुस्तान के बिहार में हिंदुस्तान के हर जिला में हर कोने में 5-6 विंग चल रहा है, उसके रहते हुए भी पाकिस्तान से महिला घुस गई और हम लोग को खबर नहीं चला, प्रशासनिक पदाधिकारी को खबर नहीं चला, ये कितना सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश की थी, वह प्यार के चक्कर में पड़कर भारत में आई। या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सीमा हैदर को भारत में भेजा है, इसकी जांच भी IB और भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर रही है।